Hi everyone, welcome to Psychros. I am Tanisha. I am a third year student of psychology from Delhi University. And today we will start class eleven psychology chapter one. What is psychology? तो आपसे बहुत time पहले दो Greek words को मिलाके हमारा word psychology आया था. पहला word है psyche मतलब soul और दूसरा word है logos मतलब study of. पहले psychology को study of the soul से define किया जाता था. बट अब मॉडर्न डेफिनेशन हमारी यूजुअली ये कहती है कि साइकोलॉजी इज फॉर्मली डिफाइंड एज अ साइंस विद स्टडीज मेंटल प्रोसेसिस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट अभी हम इस डेफिनेशन को भी ब्रेक डाउन करेंगे बट उससे पहले अगर हमें किसी ह्यूमन बिहेवियर को समझना हो या किसी मेंटल प्रोसेस या किसी एक्सपीरियंस या बिहेवियर को समझना हो तो उसको हम या तो इंडिविजुअल लेवल पे समझेंगे या ग्रुप लेवल पे या ऑर्गनाइजेशनल लेवल पे ठीक है तो अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की पहला की है हमारा मेंटल प्रोसेसेस मेंटल प्रोसेसेस एज द नेम सजेस्ट जितनी भी हमारी ब्रेन में एक्टिविटी चल रही होती है जैसे कि थिंकिंग सॉल्विंग रिमेंबरिंग लर्निंग परसीविंग ये सब हमारे मेंटल प्रोसेसेस में काउंट होते हैं अच्छा अभी मैंने बोला था कि मेंटल प्रोसेसेस हमारे माइंड में होते हैं तो जब ब्रेन में एक्टिविटी होती है तो वो तो हमें शोकेस होती है थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक एफ तो मेंटल प्रोसेस डिफरेंट कैसे हुआ तो देखो एक प्रोसेस होना और उसका ब्रेन एक्टिविटी में शो होना दो टोटली डिफरेंट चीजें होती हैं ब्रेन एक्टिविटी में हम अपने न्यूरॉन्स को न्यूरोप्लास्टिसिटी uh, करते हुए देख सकते हैं जो कि मतलब दे ट्रैवल एंड कनेक्ट विद ईच अदर बट वेयर आर एज अ प्रोसेस जैसे कि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस गेन करना या फिर किसी से इंटरेक्ट करना वो हमारा माइंड को क्रिएट करता है क्योंकि माइंड की कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती है ना ही कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जैसे कि एक ब्रेन के पास होता है अब यहां पे लिखा है ब्रेन इमेजिंग टेक्निक से हमें पता चलता है कि माइंड कैसे फंक्शन करता है तो यस yes, एग्जैक्टली exactly. अब माइंड को अलग क्या बनाता है कॉन्शियसनेस अलग बनाता है जब हम सो रहे होते हैं तब भी वी नो दैट कि हम सो रहे हैं या फिर कभी कभी हमें सपनों में पता होता है कि आई एम ड्रीमिंग एंड उसे लूजेड ड्रीम्स कहते हैं अच्छा अब आ, इस वाले पेज पे मैंने लिखा है कि मेंटल एक्टिविटी एंड न्यूरल एक्टिविटी इंटर डिपेंडेंट होती हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं बट दे आर स्टिल डिफरेंट न्यूरल एक्टिविटी जो हमें न्यूरॉन्स दिखाते हैं एंड मेंटल एक्टिविटी वो है जो हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में नाउ द सेकेंड पोर्शन ऑफ आर डेफिनेशन इज एक्सपीरियंसिस इफ आई टॉक टू वन ऑफ यू एंड यू टेल मी एन इंसिडेंट और वो इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि तुम पांच लोग के साथ है ठीक है बट वो फिर भी तुम सबके साथ काफी अलग होगा बिकॉज यू ऑल आर यूनिक ठीक है तो एक्सपीरियंसिस आर सब्जेक्टिव इन नेचर कोई चीज अगर सब्जेक्टिव है तो उसका मतलब है कि वो हर पर्सन के लिए अलग है एक्सपीरियंसिस आर एम्बेडेड इन आर अवेयरनेस अवेयरनेस कह लो या कॉन्शियसनेस कह लो वी आर ऑलवेज अवेयर कि हमारे साथ क्या चल रहा है हमारी सराउंडिंग में एंड हमने क्या क्या एक्सपीरियंस कर रखा है अगर नहीं भी है और मैं उस बारे में बात करूँ तुमसे पूछूँ तो तुम्हें याद आएगा वो ओके एक्सपीरियंसिस आर इन्फ्लुएंसड बाय बाई आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द पर्सन मतलब जो हम अंदर से सोचते हैं जो हमारे ओपिनियंस वगैरह है वो हमारे एक्सपीरियंस को कैसे अफेक्ट करता है एंड वेज बाहर से जो कंडीशन हैं जैसे कि मतलब किसी और ने कुछ कह दिया या फिर बाहर से जितनी भी चीज़ें हैं अब हम तीसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं बिहेवियर्स तो बिहेवियर बेसिकली क्या है जैसे हमारे रिफ्लेक्स एक्शन काम करते हैं कि कोई चीज़ गर्म है तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं सिमिलरली बिहेवियर होते हैं कोई भी इवेंट हो या ट्रिगर हो या स्टिम्यूलाय हो उसका जो हम रिएक्शन देते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं उसे हम कहते हैं बिहेवियर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं बिहेवियर शॉर्ट या फिर इंड्योरिंग हो सकते हैं ठीक है अब टाइप समझते हैं ओवर्ट एंड कोवर्ट ओवर्ट मतलब एक्सटर्नल बिहेवियर मतलब जो मैं बाहर से देख सकती हूँ अगर तुम में से कोई फ्रस्ट्रेटेड है एंड uh, कोई रो रहा है फ्रस्ट्रेशन की वजह से तो इसे हम बोलेंगे ओवर्ट बिहेवियर कोवर्ट मतलब इंटरनल ठीक है अगर कोई रो रहा है फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो उसको ओवर्ट हो गया वो हम समझ गए बट उसे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे अब ये काम और नहीं करना है मैं और देर नहीं बैठ सकता या बैठ सकती तो दिस इज योर कोविड बिहेवियर जो कि सिर्फ उस पर्सन को पता है अच्छा अब हमारे बिहेवियर में चेंजेस कब देखने को मिलते हैं जब हमें कोई ट्रिगर करता है हमारी सराउंडिंग uh, में उस वजह से हम ओवर्ड या कोवर्डली बिहेव करते हैं अलग अलग मेंटल प्रोसेसेस से अलग अलग बिहेवियर होते हैं अब डेफिनेशन समझने के बाद अब हम समझेंगे बेसिकली साइकोलॉजी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट होता क्या है तो मैंने बोला था डेफिनेशन में कि साइकोलॉजी कम्स अंडर साइंस वाई बिकॉज अगर हमें किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व भी करना है इवन दो सबका बिहेवियर अलग होता है बट अगर मैं कोई स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ और मुझे सिर्फ एक रिजल्ट निकालना है उस चीज का तो मैं क्या यूज करूंगी मैं साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करूंगी और मैं ऑब्जेक्टिव रहूंगी अब जैसे मैंने पीछे एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होते हैं वो बताया था तो उसका उल्टा होता है ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो जनरलाइज स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके ऊपर मतलब हम यूनिवर्सली uh, एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इट टेक्स इनटू अकाउंट सब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आल्सो इंडियन ट्रेडिशन में यूजुअली कहा जाता था कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंस थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगा ठीक है वेदास वगैरह हमारे बहुत सारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं बट वेस्टर्न आइडियाज ने काफी इन्फ्लुएंस करा तो उसको ज्यादा माना जाता है और उसे ही हमने इनकॉर्पोरेट कर रखा है बट वेस्टर्न कल्चर्स ने भी इंडियन uh, ट्रेडिशन को अपने अंदर इन्वॉल्व uh, करने का स्टार्ट कर दिया ठीक है तो बेसिकली साइकोलॉजी का गोल क्या है कि जितनी भी चीज़ें हो, फाइंडिंग्स हो, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में वो सिस्टमेटिक हो और वेरीफाइबल हो थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे पहला लैब बना था जर्मनी में लाइबसिंग पे 1879 में इसको एक सोशल साइंस की तरह हम कंसिडर करते हैं सोशल साइंस क्यों बिकॉज जैसे कोई भी फिनोमिना होता है ठीक है या तो हम उसको बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से बोल सकते हैं या फिर सोशल रीजंस की वजह से बोल सकते हैं तो जो लोग बायोलॉजिकल बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि ह्यूमन uh, बिहेवियर को ना uh, हम कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे के लिए कैसे कर सकते हैं अगर हम सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट करें कंट्रोल्ड सेटिंग्स में मतलब अगर मैं एक कमरे के अंदर बुला के जो कि साउंड प्रूफ हो मतलब और ब्लाइड्स uh, उसकी मैं एक सर्टन कलर की कर दू और मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूं तो उसे बोलेंगे हम कंट्रोल सेटिंग एम क्या है बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट को हम इस्टेब्लिश कर सकें मतलब यही रीजन है जिस वजह से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो मतलब मैं तुम्हें सर्टन ट्रिगर्स दे रही हूँ एंड यू आर रियाक्टिंग इन अ सर्टन वे इट्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली मेरी ये स्टडी है तो इससे मैं क्या कर पाऊंगी बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पाऊंगी ठीक है तो बायोलॉजिकल हमारा ये हो गया वेर एज अगर हम सोशल की बात करते हैं तो सोशल में बेसिकली हम समझते हैं कि जो लोग होते हैं दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो अब एक चीज तो फॉर श्योर है कि जितना भी बिहेवियरल फिनोमिना होता है उसका कोई या तो सिर्फ बायोलॉजिकल या सिर्फ सोशल रीजन नहीं हो सकता है देर आर मेनी कॉजेज फॉर अ सिंगल बिहेवियर ऑल्सो नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस जो पीछे हमने बायोलॉजिकल की बात करी थी ये वही है और साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस बेसिकली हमारा सोशल वाला हो गया ठीक है अच्छा अब हम समझते हैं कि साइकोलॉजी के रूट्स बेसिकली फिलोसफी से हैं नॉट जस्ट साइकोलॉजी मेनी सब्जेक्ट्स हैज देयर रूट्स इन फिलोसफी बिकॉज फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसिस ओके तो डेस्क uh, ने बोला कि एक हाइपोएटिको डिडक्टिव मॉडल होता है मतलब हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं कोई भी स्टडी कंडक्ट करने से पहले हाइपोथेसिस क्या होती है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो कहती है कि इस वजह से ये बिहेवियर कॉज हो रहा है ये हमारा हाइपोथेसिस होता है अब अगर हमने दो फैक्टर्स निकाल लिए हैं कि सिर्फ ये इस वजह से ये बिहेवियर हो रहा है ठीक है तो या तो ये आ, ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है ठीक है अब ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उसे इंटरप्रेट करेंगे ठीक है तो ये डेस्कार ने यही मॉडल दिया था कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन वी डिसाइड इफ दैट इज अलाइनिंग विद हाइपोथेसिस और नॉट नाउ वी कम टू साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस तो वाई सोशल साइंस बिकॉज मतलब हम जहाँ भी रहते हैं तो वहां के जितनी भी सोशल सराउंडिंग्स होती हैं हमारी और जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जैसे कि अर्बन या रूरल सेटिंग्स उस वजह से भी हमारा बिहेवियर बहुत इन्फ्लुएंस होता है रंजिता और शबनम की केस स्टडी भी हमने यही समझी कि रंजिता काफी एथलेटिक थी एंड शबनम काफी इंट्रोवर्टेड uh, थी उसको अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था आर्टिस्टिक थी तो फिर भी रंजिता की फैमिली ने शबनम की हेल्प करी एंड दे बोथ वी बिकेम फ्रेंड्स इवन दो वो दोनों काफ़ी डिफरेंट थे बट उनने जब इंट्रैक्शन करी और उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट सेम था तो कुछ सिमिलैरिटीज मिली उन्हें उनके थॉट्स अलाइन हुए इसलिए वो दोस्त बने तो इसीलिए हम साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस भी पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर तो स्पेरी और पेन की वजह से हमें ये वर्ड uh, माइंड कु सेपरेटेड फ्रॉम ब्रेन ठीक है तो बेसिकली डिसड दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन बट माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी एंड वो हमने समझा बिकॉज लाइक बेसिकली ब्रेन इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर माइंड बट माइंड के अंदर ही हमारी सारी एक्टिविटीज होती सारे प्रोसेसिस होते हैं ठीक है अब ये हमने कैसे समझा अब एक uh, हमारे फोर लोब्स होते हैं ठीक है तो एक ऑक्सीपिटल लोब हटा दी फिर भी उन लोग को फील हो पा रहा था कि उनका रूम कहाँ है एंड लाइक वेयर टू गो इवन दो दे कूड नॉट सी इट इज बिकॉज कि अगर ब्रेन की कुछ चीजें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं तब भी माइंड सेपरेटली वर्क करता है बिकॉज देर देर इज समथिंग कॉल्ड लेस कॉग्नेटिव मैप तो उस टाइम नहीं पता था बट अब हमें पता है ये चीज ठीक है अच्छा एक और चीज़ देर इज़ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर मतलब अलग है दो दोनों दो अलग हैं एक दूसरे से बट फिर भी देर इज अ रिलेशनशिप ठीक है तो आर्टरीज ब्लॉक हो गई थी उसके बाद उनको क्या हुआ थेरेपिस्ट ने उनको इमेजिन करवाया आँख बंद करवा के बहुत ही पॉजिटिव सा सिनेरियो एंड स्टिल मतलब दे कुड फील दैट द ब्लड इज फ्लोइंग इट इज बिकॉज उनको समझाया गया उनके माइंड में ऐसा उनको फीड करा गया कि हाँ ये ऐसा हो रहा है इसलिए उनके बिहेवियर में ऐसा देखने मिला उनके फीडबैक ऐसे आया कि हाँ हम ये कर पा रहे हैं तो अब मेडिकल फील्ड में बहुत चल रहा है ये नया डिसिप्लिन आया है इसको कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ठीक है नोशंस अबाउट साइकोलॉजी अब बुक में एक लाइन लिखी है एक्सप्लेनेशन फॉलोज अकरेंस ऑफ बिहेवियर मतलब साइकोलॉजी ना लोग के पैटर्न्स के ऊपर फोकस करता है जो प्रिडिक्ट करे जाते हैं ना कि जो बिहेवियर होगा ठीक है मतलब एक सिचुएशन में जैसा बिहेव करा उसको एकदम बेंचमार्क नहीं माना जाएगा रिपीटेडली बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन दिए जाएंगे उसमें जिस तरह से बंदा रिएक्ट करता है उसको उसका पैटर्न कहा जाता है एंड उसको प्रिडिक्ट किया जाता है ठीक है अब जितनी भी स्टडीज होती हैं दे रन अगेंस्ट कॉमन सेंस वाई बिकॉज Uh, एक स्टडी करी गई थी टू अंडरस्टैंड दिस ड्वेक ने करी थी 1975 में फॉर 25 डेज उन्होंने क्या करा उन्हें ग्रुप वन ग्रुप टू कर दिया uh, उनका ये पर्पज़ था समझने का कि जो बच्चे इजीली गिव अप कर देते हैं वो मैथ्स प्रॉब्लम्स जब उनको डिफिकल्ट वाली देंगे तो कितनी इजीली वो गिव अप कर देंगे कि नहीं तो ग्रुप वन को इनने क्या करा इजी प्रॉब्लम्स दे दी एंड ग्रुप टू को इजी एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दे दी ऐसा क्यों किया जिससे कि वो ग्रुप वन और ग्रुप टू को डिफरेंशिएट कर सकें ठीक है तो ग्रुप टू ऑब्वियसली फेल हो गया जैसे उनको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मिली बिकॉज इट इज कॉमन सेंस कि वो डिफिकल्ट uh, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे दे विल गिव अप ओके तो बेसिकली ड्वेक ने क्या करा आगे उन्होंने क्या करा कि ये नहीं बोला फेल uh, कि तुम इसलिए फेल हो गए हो बिकॉज यू आर वीक एट दिस उन्होंने ये समझाया कि इट इज योर लैक ऑफ एफर्ट मतलब उन्होंने इंटरनल रीजनस दिए ना कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या हो गया कि बाहर के सिचुएशंस की पेपर बहुत मुश्किल था या फिर तुम नहीं कर सकते हो ये कोई बात नहीं उन्होंने बताया कि नहीं लैक ऑफ एफर्ट की वजह से मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं फिर से एक और बार उनको प्रॉब्लम समझ दिए ग्रुप वन को और ग्रुप टू को ठीक है डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिए तो ग्रुप वन ने इजीली गिव अप कर दिया बट ग्रुप टू जिसको समझाया गया लैक ऑफ एफर्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करा उन्होंने ये नहीं फोकस करा कि उन्होंने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया तो एक इफेक्ट आया ना चीजों को एसोसिएट करने के बाद दिस इज वाई स्टडीज ऑफ साइकोलॉजी गो अगेंस्ट कॉमन सेंस नोशन अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एवोल्यूशन एज द नेम सजेस्ट अलग अलग समय पे क्या हमें चेंजेस देखने को मिले तो इसे हम कहते हैं स्कूल या पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी देर आर मेजर सिक्स स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म बिहेवियरिज्म साइकोडायनामिक डाइनेमिक ह्यूमनिस्टिक एंड कॉग्निटिव इसका आप एक निमोनिक बना सकते हो तो यहाँ पे एक बहुत शॉर्ट से टेबल में मैंने लिखा है तो स्ट्रक्चरलिज्म एज ए नेम सजेस्ट ये स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर कैसे स्टडी किया जाएगा जब आपके साथ कोई इवेंट हुआ है तो आप बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करो इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब खुद से सोचना कि क्या चीज़ यहाँ पे सही है क्या गलत है रिफ्लेक्ट करना अपनी खुद की थिंकिंग पर इसको किसने स्टडी करा था विलियम बुट ने ठीक है ओके नेक्स्ट स्कूल इज फंक्शनलिज्म नेम सजेस्ट उन्होंने माइंड के फंक्शन को स्टडी uh, करने की कोशिश करी थी कि कैसे फंक्शन करता है और क्यों फंक्शन करता है किसने करा था विलियम जेम्स ने करा था अब हम आते हैं बिहेवियरिज्म पे बिहेवियरिज्म की बहुत ही मैकेनिस्टिक और साइंटिफिक अप्रोच थी मतलब बिहेवियर एक ऐसी चीज है उन्होंने बोला जॉन वाटसन ने कि एक जो मेजरेबल है और ऑब्जेक्टिवाइबल है और जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जब बिहेवियरिज्म वाले स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स आई कि इट इज एक्सट्रीमली साइंटिफिक एंड ऐसे नहीं ह्यूमन माइंड वर्क करता तो फिर आया साइकोडाइनमिक जो कि उसका एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट था उनने पूरा अनकॉन्शियस डिज़ायर्स पे अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस डाल दिया अपना जितने भी अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको समझने पे साइको वाले ने स्पेंड करा जिनका नाम है सिगमेंट फ्राॅड देन वी कम टू ह्यूमनिस्टिक तो ह्यूमनिस्टिक ने काफी पॉजिटिव अप्रोच दिया बिकॉज सब डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे या फिर खराब बिहेवियर्स के बारे में बात कर रहे थे तो इन्होंने बोला कि एक पर्सन की एक फ्री विल होती है एक पर्सन uh, अपने फुलस्ट पोटेंशियल पर पहुंचना चाहिए ठीक है और इनके मेथड्स और टेक्निक भी काफी मतलब क्लाइंट पर फोकस करते हैं अब्राहिम एंड कार्ल रॉजे एंड अब्राहिम मैसेरो ने दिया था ये देन वी कम टू द न्यूएस्ट स्कूल दैट इज नोन एज कॉग्निटिव तो कॉग्नेटिव इज बेसिकली टेकन आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर कि कंप्यूटर इज ऑल्सो फंक्शनिंग लाइक अ ह्यूमन माइंड इट वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इट इज गिवन बाय पियाजे एंड बाई गॉड्स नाउ वी कम टू ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी द फर्स्ट ब्रांच इज कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव एज अ नेम सजेस्ट मेंटल प्रोसेसिस को स्टडी करता है जितने भी हमारे कोग्नेटिव टास्क होते हैं जैसे कि थिंकिंग है तो वो थिंकिंग को स्टडी करते हैं या फिर परसेप्शन है सबकी परसेप्शन अलग अलग होती है तो वो उसको स्टडी करते हैं देन वी कम टू बायोलॉजिकल तो बायोलॉजिकल एज अ नेम सजेस्ट जितना भी हमारा बिहेवियर होता है वो कैसे रिलेटेड है हमारे फिजिकल सिस्टम से या फिर जितने भी हमारे जो न, हमारा नर्वस सिस्टम है औ, उसको और इम्यून सिस्टम को साथ में पढ़ते हैं तो ऑल द फिजिकल थिंग्स दैट पुट चेंजेस टू आर बिहेवियर एंड माइंड उसको स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल में देन वी कम टू डेवलपमेंटल एज द नेम सजेस्ट्स पूरे लाइफ स्पैन में होते हुए फ्राम uh, अलग अलग एजेस उसको स्टडी करते जाते हैं ठीक है देन वी कम टू सोशल एज द नेम सजेस्ट इन्वायरमेंट और पर्सन के एनवायरनमेंट और उसके जितने भी इंट्रैक्शनस होते हैं उस वजह से होते हुए वो कैसे अपने रिलेशंस फॉर्म करते हैं या कैसे एटीट्यूड्स या ओपिनियंस फॉर्म करते हैं वो हम समझते हैं सोशल साइकोलॉजी में देन वी कम टू न्यूरोसाइकोलॉजी मतलब सपोज uh, करो जैसे न्यूरो ट्रांसमिटर ऊपर नीचे हो गया तो उससे भी लोग को एनजाइटी डिप्रेशन वगैरह होता है तो उसको स्टडी करते हैं कि कैसे uh, हम uh, ऐसे टेक्निक्स बनाए जिससे कि लोग को बेटर फील हो देन वी कम टू कल्चरल तो जैसे सोशल और कल्चरल काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे से बट कल्चरल का मेन फोकस ये है कि जैसे हमारा एक इंडियन कल्चर हो गया कलेक्टिविस्टिक कल्चर यस एंड बाहर का हो गया इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर तो इसको भी हम स्टडी करते हैं कि तो हम एक पर्सन का पूरा सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं न वी कम टू इन्वायरमेंटल तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं या फिर आजकल पोल्यूशन की वजह से जितने हमको बिहेवियल चेंजेस वगैरह देखने मिलते हैं या फिर लोग के इमोशनल स्टेट्स में चेंजेस देखने मिलते हैं वो सब हम इन्वायरमेंटल में पढ़ते हैं हेल्थ साइकोलॉजी हेल्थ साइकोलॉजीज में हम सब पढ़ते हैं कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं मिलनेस के थ्रू साइकोलॉजिकल मेथड्स दैन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग तो क्लिनिकल एंड काउंसिलिंग साइकोलॉजिस्ट सेट एट हॉस्पिटल्स और वर्क एट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस तो प्राइवेट एंड स्टेट मतलब गवर्नमेंट सॉरी उनमें वर्क करते हैं और वो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं देन वी कम टू ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जितना भी वर्क प्लेस में बिहेवियर होता है उसको हम अंडरस्टैंड uh, करते हैं जितने कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं उसको हम रिजॉल्व करवाते हैं एंड uh, जितने भी लोग की वहाँ की परफॉर्मेंस होती है उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए इसे हम कहते हैं एच आर साइड या फिर ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियल ओके देन एजुकेशनल मतलब हर एज का पर्सन कैसे कैसे लर्न करता है उसके लिए हम स्ट्रैटेजीज या मेथड्स डेवलप करें जिससे कि वो बेटर तरीके से लर्न कर पाए देन वी कम टू स्कूल साइकोलॉजी जितने भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ वगैरह को प्रमोट करने के लिए जो चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स के लिए होता है न वी कम टू स्पोर्ट्स मतलब जैसे कोई मैच है तो उसके पहले मोटिवेशन इन्हांस करनी होती या परफॉर्मेंस करने के बाद उनका हमें बूस्ट करना होता है कॉन्फिडेंस वगैरह तो ये सब स्पोर्ट्स आइकोलॉजी एंड अदर टाइप्स आ जैसे फोरेंसिक कम्युनिटी मिलिट्री एक्सेट्रा नाउ थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन रिसर्च मतलब हम जितने कॉज एंड इफेक्ट वाली स्टडीज करते हैं या फिर हमारे आ, रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं जिसमें हमारे कंक्लूजनज होते हैं तो उससे हम साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हैं टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर बेटर ओके तो ये कुछ हमारी थीम्स हैं द फर्स्ट थीम इज साइकोलॉजी लाइक एनी अदर साइंसिस टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसिस और ये हम कैसे करते हैं जितना भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसका हम एक कंक्लूजन निकालते हैं एंड इस कंक्लूजन को हम यूजुअली जनरलाइज करते हैं जनरलाइज करना मतलब इफ आई सिट एंड रीड योर स्टडी ओवर हियर इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू यू सिटिंग समवेयर एल्स क्योंकि ये बिहेवियर कॉज एंड इफेक्ट मस्ट बी क्लियर एंड हाउ डू वी क्लियर दैट हम डिजाइन करते हैं अपनी स्टडीज को जैसे कि कुछ फैक्टर्स को हम कंट्रोल करते हैं कुछ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट वी कैन कंडक्ट आर स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स ओके देन इसके अंदर कुछ कुछ बेसिक uh, साइकोलॉजी के अंदर कुछ कुछ थीम्स होती हैं छोटी छोटी जो कि डिफर करती हैं जैसे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लाइक हम कुछ स्टडीज में टोटली क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं लाइक कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड उसको इंटरप्रेट और एनालाइज करना मेरा क्वांटिटेटिव हो गया uh, तीन चार टेस्ट कर दिए कंडक्ट कर दिए ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर ओके देन वी कम टू थीम टू जो कि बेसिकली कर्ट लेवन ने दिया था कि बिहेवियर जो होता है हमारा इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्सन एंड उस पर्सन का एनवायरमेंट बी इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में पी कॉमा ई तो पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ बेसिकली उसके जेनेटिक्स एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरमेंट्स कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते हैं इवन दो वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को बिलोंग करते हों या फिर सेम तरह से वो रिएक्ट करते हो फिर भी वो दोनों सेम नहीं होते हैं कैसे पता चलता है बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट उस पर्सन के वैल्यूज इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से तो अब ये जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वगैरह होती है ये किस चीज के लिए होती है जिससे कि हम डिफरेंसेस को समझ सकें लोग के डिफरेंस को हम इसलिए समझते हैं जिससे कि वी कैन मेक स्ट्रेटजीज ओके डिफरेंसेस को मेजर करने वाली साइकोलॉजी को हम डिफरेंशियल साइकोलॉजी भी कहते हैं जो कि लेट नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरी में आई थी जो कि पर्सनालिटी uh, साइकोलॉजी का पार्ट है तो पर्सनैलिटी person एंड उसका एन्वायरमेंट इक्वल्स टू पर्सन थीम थ्री इज ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज मतलब एक कॉज नहीं होता ह्यूमन बिहेवियर का बहुत सारे अलग अलग कॉजेस होते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर के जो कॉजल एक्सप्लेनेशन होते हैं उस वो दे बेसिकली ऑफ़ अब ये जो कॉजल मॉडल्स होते हैं तो इसके अंदर ना एक सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं मतलब अलग अलग एक्सप्लेनेशन होते हैं कि ये एक बिहेवियर क्यों कॉज हुआ थीम फोर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड मतलब uh, अब जैसे मैंने बताया था कि इंडियन ट्रेडिशन वाली इंडियन स्क्रिप्चर्स को उतना इनकॉर्पोरेट नहीं करा हुआ है साइकोलॉजी में वेस्टर्न आइडियाज आर मोर इनकॉर्पोरेटेड तो सिमिलरली देर आर मैनी यूरो अमेरिकन बेस्ड थ्योरीज जो कि दे आर नॉट एप्लीकेबल टू अदर कल्चर्स ठीक है एंड सिमिलरली देर इज अनदर प्रॉब्लम कि फेमिनिस्ट आर्ग्यू करती हैं कि मेल परस्पेक्टिव है साइकोलॉजी में बहुत जितनी स्टडीज वगैरह हुई हैं जितनी थ्योरीज हैं वो सब मेल्स ने दी हैं एंड मेल्स पे कंडक्ट हुई है तो देर इज नो फीमेल परसपेक्टिव तो हाउ कैन बी जनरलाइज दैट सेम गोज फॉर द थ्योरीज उसको वो दोनों ही जेनरलाइजेबल नहीं है देन थीम फाइव ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल एंड मॉडिफाइड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स तो बेसिकली हमारा अल्टीमेट गोल इज टू मेक द ह्यूमन लाइफ बेटर बेटर कैसे होगा बिहेवियर को मेंड करके होगा यही थीम फाइव कहता है तो ऐसी टेक्निक्स डेवलप करते हैं जिससे कि ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए एंड ये हर ब्रांच में यूज होता है साइकोलॉजी की नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिक में बेसिकली हमारे जितने भी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स होती है उसको स्टडी किया जाता है रिवाइज किया जाता है वेर एज अप्लाइड मतलब कि कैसे ये थ्योरीज को हम uh, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ में ऐसी क्या हम मेथड्स या स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं जो कि इन थ्योरी से निकल के हम ह्यूमन लाइफ को बेटर बना सकें थ्योरी से एप्लीकेशन होती है तो यही है बेसिक मतलब थ्योरी से अप्लाइड में एप्लीकेशन हो रही है ओके okay? अच्छा तो मतलब एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड इट जस्ट सेज कि बेसिक इज बेसिकली अप्लाइड इनटू अप्लाइड इफ यू नो व्हाट आई मीन देन साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन ओके तो साइकोलॉजी इज अ वेरी इंटर डिसिप्लिनरी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिक में बेसिकली हमारे जितने भी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स होती है उसको स्टडी किया जाता है रिवाइज किया जाता है वेर एज अप्लाइड मतलब कि कैसे ये थ्योरीज को हम uh, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ में ऐसी क्या हम मेथड्स या स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हैं जो कि इन थ्योरी से निकल के हम ह्यूमन लाइफ को बेटर बना सकें थ्योरी से एप्लीकेशन होती है तो यही है बेसिक मतलब थ्योरी से अप्लाइड में एप्लीकेशन हो रही है ओके okay? अच्छा तो मतलब ऐसा सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड इट जस्ट सेज कि बेसिक इज बेसिकली अप्लाइड इन टू इफ यू नो व्हाट आई मीन देन साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन तो इट हैज़ ए इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच वॉट डू यू मीन बाय दैट इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड भी होते हैं एंड हर सब्जेक्ट में साइकोलॉजी थोड़ी थोड़ी इंक्लूड करी भी जाती है फिलोसफी में तो फिलोसफी से ही जैसे मैंने बताया था कि डिराइव हुई है साइकोलॉजी तो कैसे हुआ था लेट नाइनटीन सेंचुरी में उन्हें समझने की कोशिश करी थी कि आ, वॉट इज द माइंड और मतलब ह्यूमन्स कैसे वर्क करते हैं उनकी मोटिवेशन और इमोशंस क्या क्या होते हैं ये बेसिक बेसिक आइडियाज रिवॉल्व करने लगे थे तो देन वी नो विलियम वुड ने स्ट्रक्चरलिज्म दिया उसके बाद ही कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी अब मेडिसिन में ऐसे यूज होता है जैसे कि किसी को कैंसर है या कोई आईसीयू में है और उसकी फैमिली बहुत ही परेशान है तो हम तब साइकोलॉजी को यूज करते हैं उनको थेरेपीज प्रोवाइड करके हेल्दी माइंड इज इक्वल्स टू हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी बॉडी इज इक्वल्स टू हेल्दी माइंड नाउ पॉल साइंस सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ये तीनों साइकोलॉजी से ही आए हैं इकोनॉमिक्स बाई बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर को हमने क्वेश्चन uh, किया कि ये वॉट इज दिस देन डिसीजन मेकिंग स्किल्स लोगों की ठीक है देन पॉल साइंस मतलब uh, जब पावर आती है तो लोग अलग तरह से क्यों बिहेव करते हैं अथॉरिटी में ऐसा क्या है वोटिंग बिहेवियर को कैसे समझा जाए एंड सोशियोलॉजी में सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्स हो जाते हैं तो उसे हाउ बाई डू दैपन हाउ टू रिजोल्व them एंड सोशलाइजेशन के प्रोसेसिस को समझना देन वी कम टू कंप्यूटर साइंस मतलब जैसे एज वी अंडरस्टूड पहले कि कंप्यूटर मिमिक करता है ह्यूमन माइंड को क्यों बिकॉज उसका मेमोरी और रिट्रीवल प्रोसेस जो होता है इट वर्कस लाइक अ ह्यूमन माइंड सीक्वेंशियल एंड साइमटेनियस प्रोसेसिंग चलती है हमारे ह्यूमन माइंड में भी एंड कम्प्यूटर में भी उस चीज को समझ समझा जाता है जिससे कि हम ए जैसी चीजों को डेवलप कर सकें लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी मतलब एक स्किल्ड लॉयर को जब क्वेश्चनिंग uh, करी जाती है तो दे शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी सो दे सो दैट दे कैन आंसर वेल ओके देन मास्कॉम मतलब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे न्यूज देखते हैं या न्यूज रीड करते हैं तो वो बहुत इफेक्ट करता है हमारे एटीट्यूड्स को ओपिनियंस को तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस तरह से न्यूज को छापा जाए जिससे कि लोग उसे रीड करें या अप्लाई करें अपनी लाइफ में देन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स तो uh, कैसे म्यूजिक uh, एक पर्सन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहानस करता है ये आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है ठीक है तो उसी से डिराइव हुआ है म्यूजिक थेरेपी मतलब जैसे किसी को फिजिकल प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई बीमारी uh, हो तो वो म्यूजिक थेरेपी से भी कैसे ट्रीट करा जा सकता है देन वी कम टू आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग मतलब जैसे कि आर्किटेक्चर्स uh, क्या करते हैं वो प्लान करते हैं कि सेफली कैसे मतलब इस चीज़ को यहां प्लेस करा जाए सो दैट पीपल कैन बी सेफ एंड इंजीनियर्स कैन ऑल्सो सी की अस्थेटिक uh, सेटिस्फाई हो रहा है लोगों का कि नहीं नाउ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया बेसिकली मतलब इंडिया की साइकोलॉजी uh, की इंडिया में हिस्ट्री हम समझेंगे तो हमारे जो इंडियन रूट्स हैं जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट तो नहीं किया जाता है आज बट इट इज डोमिनेटेड बाई वेस्टर्न साइकोलॉजी बट स्टिल वेस्टर्न साइकोलॉजी की वजह से ही इंडिया में आया बिकॉज कैलकाता यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ था जिसकी वजह से पहला लैब खुला था 1915 में लैब खुला 1915 में तो डिपार्टमेंट बन गया ऑफ साइकोलॉजी इन डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी बना जाके 1938 में ये सब काम किसने करा है डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता जिन्होंने विलियम वून्ड के अंडर की स्टडीज करी है एंड प्रोफेसर जी बोस ने जिन्होंने फ्रॉइडियन स्टडीज के अंदर समझाया तो अब इन्होंने क्या एस्टेब्लिश करा इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन नाइनटीन ट्वेंटी टू में अब इसके बाद क्या हुआ दुर्गानंद सिन्हा ने एक बुक लिखी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री 1986 में तो इन्होंने फोर फेजेस में समझाया है कैसे आया ये तो पहला फेज जो है इट स्टिल इंडिपेंडेंस तो इंडिपेंडेंस के पहले एज वी कैन सी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल uh, और साइको को ज्यादा फोकस मिला है एंड वहीं से इंट्रोड्यूस हुई है साइकोलॉजी देन सेकेंड फेज में नाइनटीन uh, सिक्सटीज में इंडियन वेस्टर्न आइडियाज हमारे डेवलप हो रहे थे थर्ड फेज में हमने समझा कि रिसर्च कंडक्ट होने लगी लेट नाइनटीन में बिकॉज एक न्यू आइडेंटिटी चाहिए थी हमें हमारी कंट्री में कि साइकोलॉजी हमारे लिए वॉट इज इट डेवलपमेंट इन इंडिजीनियस साइकोलॉजी इंडिजीनियस साइकोलॉजी मतलब अलग अलग कल्चर्स uh, में काम करना एंड समझना वाई पीपल एक्ट दिस वे अब साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं आज तो दे वर्क इन आई टी एच आर हॉस्पिटल एंड मैनी अदर प्लेसेस नाउ वी कम टू आर लास्ट टॉपिक साइकोलॉजिस्ट एट वर्क तो सबसे पहले हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल समझेंगे तो दे आर स्पेशलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग थेरेपी फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स मतलब सिवियर केसेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स को भी दे कैन हैंडल थ्रू थेरेप्यूटिक टेक्निक्स वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जैसे भी काम कर सकते हैं या फिर दे कैन वर्क एट हॉस्पिटल्स ऑल्सो तो अब ये मेंटल uh, डिसऑर्डर्स को ट्रीट तो करते हैं बट वो उसको डायग्नोज भी करते हैं कैसे करते हैं टेस्ट कंडक्ट करके अब डायग्नोज करने के बाद वट डू दे डू दे यूज मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट काइंड जिससे कि ट्रीटमेंट मिल सके एक पर्सन को देन वी कम टू काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट दे बेसिकली लेस सीवियर प्रॉब्लम से वो डील करते हैं जैसे कि डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कोई एडजस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उस एरिया में दे वर्क दे डोंट डायग्नोज दे आर इन्वॉल्व रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स ठीक है एंड दे यूजली वर्क इन स्कूल्स कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स देन वी कम टू कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ पर वर्क करते हैं दे वर्क फॉर एजेंसीज प्राइवेट या फिर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ये स्पेशल पॉपुलेशन के साथ काम करते हैं दे फोकस ऑन सी बी आर दैट इज कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन देन वी कम टू स्कूल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट स्कूल साइकोलॉजिस्ट का रोल यही होता है कि पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन ठीक से हो रही है कि नहीं पॉलिसीज डेवलप करना बच्चों के लिए बच्चों की लर्निंग के लिए गेनाइजेशन मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करना जैसे कि एक पूरे वर्क प्लेस की इंप्रूवमेंट हो रही है द कंपनी इज गोइंग अपवर्ड्स दे आर अचीविंग सक्सेस देन वी कम टू दर लास्ट टॉपिक साइकोलॉजी इन एवरी डे लाइफ तो इसको रीड कर लेना इसमें आज सच कुछ बहुत मेजर समझाने का नहीं था सो गाइज आई होप यू लाइक द एक्सप्लेशन इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू कवर द होल चैप्टर इन थर्टी मिनट बट आई ट्राइट माई बेस्ट एंड अगर आप लोग को नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड सी यू वन नेक्स्ट टाइम